हुजरा शाहमुखी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गुज़श्ता दिनों छठी जमात की 14 साला तालबा इकरा को अगवा करने वाले शाहिद मसीह को गिरफ्तार करके बच्ची को बाजियाब करवा लिया। इलाका मकीनों ने पुलिस के इस अहम कार्रवाई को खूब सराहा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार की खसूसी हिदायत पर ASP दीपालपुर अवैस अली खान की जेर निगरानी SHO थाना हुजरा शाहमुखी हाफिज अतहर रशीद अपने तमाम सोर्सेज को बरूएकार लाते हुए अगवाकार शाहिद मसीह को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके तालबा इकरा बीबी को बाजियाब करवा लिया। जबकि दूसरी जानिब महकमा एजुकेशन के आला अफसरान इस अहम इशू पर नोटिस लेने की बजाय चुप साधे हुए बैठे गोलियां खाकर सोए हुए हैं। जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की तालबात अगवा होने का ये तीसरा वाकया रूनमा हो चुका है। स्कूल के सरकारी मुलाजमीन ही बच्चियों के अगवा करने में मसरूफ है, जबकि इस हवाले से इलाका मकीनों का कहना है की उन्होंने मुतअद्दिद बार इस बारे प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल को आगाह भी किया है। स्कूल मुलाजमीन बच्चियों के साथ छेड़खानी करते हैं, मगर प्रिंसिपल साहिबा इस बारे कोई नोटिस नहीं लेती। इलाका मकीनों ने सेक्रेटरी तालीम पंजाब से मुतालबा किया है कि इस मामले को फौरी नोटिस लेते हुए इंक्वायरी की जाए और जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, नहीं तो स्कूल इंतजामिया मुखालिफ एहतजाज किया जाएगा।